अगर इस दुनिया में आलस करने के लिए कहीं भी कोई भी अवार्ड है ना, तो वो सिर्फ मुझे मिलेगा। और अब है आज की क्विक रिव्यू की बारी। आलस नहीं करना है, नहीं करने का आलस। सुरभी, मेरा चैनल ना एक साथ ग्रो करेगा। टिंडे, राई और सौंफ में इनको छोंक रही हूँ मस्टर्ड में ऑयल में। इधर दाल का मसाला रेडी हो गया है। लाल मसूर की दाल मैं डाल देती हूँ इसमें, और इसमें लगेंगी 4-5 विसल। दाल रेडी और सब्जी भी। इस सब्जी में हमको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही तेल में ही आराम से गल जाते हैं ठंडे। अगर इस दुनिया में आलस करने के लिए कहीं भी कोई भी अवार्ड है ना, तो वो सिर्फ मुझे मिलेगा, सिर्फ मुझे। सीरियसली, इतना आलस दिखा रही हूं मैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इतना आलस दिखा रही हूं कि क्या बताऊं। कुछ काम नहीं कर रही हूं कायदे से। कब से मैंने अपना वर्कआउट का रिजीम छोड़ा हुआ है, इतना हैवी वाला वर्कआउट कर रही थी मैं पिछले 1-1.5 साल से, छोड़ रखा है। घर की सफाई का काम छोड़ रखा है। क्या कर रही हूं? टाइम पास। क्यों कर रही हूं? पता नहीं, मुझे पता है कि ये सारा काम मुझे ही करना है एट लास्ट, लेकिन फिर भी आलस कर रही हूं, फिर भी टाल रही हूं। शायद पिछले कुछ हफ्ते पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको मेरी अलमारी का एक टॉप्स निकाले थे और उनको सॉर्टेड किया था। वो अलमारी तो ठीक हो गई, उसमें से खूब सारे कपड़े निकल आए और वो अब मेरे लिए तैयार रखे हैं। उनको मुझे देने के लिए इधर उधर सॉर्ट करना है, नहीं किया अभी तक। सारे वूलन सबके घरों में रख गए होंगे, आई एम श्योर आप लोगों के सबके घरों में वूलन्स रख गए होंगे, रजाइयाँ रख गई होंगी, लेकिन मेरे इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सिर्फ बेड पे से हट के ब्लैंकेट्स स्टोर में चले गए, वूलन्स पीछे की तरफ हो गए। करना मुझे ही है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? आलस। क्लिनिक का काम मैंने आपसे कहा था ना कि मैं करने वाली हूँ, पर मैंने अभी तक शुरू नहीं किया। और मुझे पता है कि अगर मैंने अभी नहीं किया, अगर इस हफ्ते में, इस एंड ऑफ द मार्च मतलब होली से पहले, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। हमारा परिवार बड़ा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आगे त्यौहार आने वाला है, फिर मेरी मम्मी भी मेरे पास आएंगी, मुझे भी 2-3 बार ट्रेवल करना है आउट ऑफ सिटी। सब कुछ पता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रही हूँ? आलस। आलस की देवी कौन? मैं। राष्ट्रपति अवार्ड भी अगर हो ना, वो भी सिर्फ मुझे मिलेगा और कोई हकदार नहीं है। अब आज शाम की भी बुकिंग हो गई है। छोटा बेबी जो पड़ोस पे वाले घर में आया है, उसकी दादी करवा रही है फिर से गाने, जो 1.25 महीने का होता और फिर होते, तो वो आज हो रहे हैं, क्योंकि अब होली का अष्टक लगने वाला है और कुछ प्रोग्राम नहीं होंगे जब वो 1 महीने का 1.25 महीने का हो। अश्मी पजामा पहन रही है। अश्मी पहनो। हाँ पहन लो। पहन लिया, गिर जाता है बार बार। फिर से अश्मी ट्राई कर रही है, थक गई है। पहन रही हूँ। ये पहन क्यों नहीं पा रही हूँ मैं? दूसरी वाली साइड से पहनती हूँ। यस अश्मी। मासूम से कंटेंट ले रहे हैं। सीधा तो कर लूं पहले। ये लोग सीधा करके भी नहीं रखते। ये क्या पहन लिया? बस कैसे पहनते हैं ये? कैसे पहनते हैं ये? कहाँ जाएंगे? मैंने तो पहन लिया। तब तक
थैंक्स वाला जल्दी जल्दी पूरा प्लास्टिक का डब्बा खा के खत्म करते हुए ये इससे पहले लोग मुझसे छीन ले। नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा, क्या करूं। फिर से कोशिश करती हूँ। अस्मी रुक जाओ, पजामा पहनने दो, आज पहन के ही रहूंगी। यहाँ लगा लेती है, लाओ मैं पहना दूँ। जगह छोड़ रही है, स्वरा का पजामा है वो, उसको देखना देखना तो कर देना आगे कर दी। वो तब तक वहां गिर जाएगी। पहन लिया मैं, लेको पहले पहन लिया। अभी तरह की चलेंगे, देखो देखो ऐसे थोड़ी पहनते, फालतू काम किया आपने। यहाँ ही गलत पहनाया है, ये वाला तो यहाँ पर है। आपने क्या किया है मामा, ये वाला तो यहाँ पर था। हटाइए इसको प्लीज, एक तरफ से टी शर्ट। खोलो खोलो, वो पायल खा रही है जल्दी जल्दी। मैं उठा था तो पीछे से दिख गई, उधर से ले आई पीछे से। पीछे से कैटरपिलर जल्दी चल गए। गीला थोड़ी है जो सुखा रही है उसको। सुखा रही हूँ पहले, सुखा है फिर पहनूंगी। कुकू नाच मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी नाच। शोल्डर मिलता है, मामा दिख रहा है। Let's have some। मम्मम के गई ना तो ये उस पे पूरी बिस्तर पे हो जाएगी फिर। मम्मम तुम कहाँ चली देवी, लेना ना बैल को थोड़ा सा नाच बर्तन बन के। बर्तन दो मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी नाच। दिन में भोजन को प्राप्त होती है कुत्ते थूक से ही लगे, हर चीज मुंह में लीजिए। हैवियर डिनर्स कुत्ता तुमने सुसु से गीला किया, बैठ गई लेके पंगन से गीला किया आज। अब आएगी उधर से। मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे डब्बे में खाना है। नव्या स्वरा कहेगी मुझे पता ही नहीं था डिब्बे में खाना है। बेटा ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, सब फैला ले पहले तो फिर खा ले। पहला नहीं तो दीदी डिनर कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था। दीदी रह गई, उसने खाना शुरू कर दिया। दीदी अभी तक सदमे में है, इतने अनसिविलाइज्ड लोग भी उसको सदमे में, इतनी सोफिस्टिकेटेड है वो। कभी नहीं फैलाती। जी मैम आपका खाना वापस लगा दिया हमने, प्लीज खा लीजिए। वो फिर मुड़ के अभी मुड़ेगी। अब वो एक एक को हीरे की तरह चेक करेगी, गंदा तो नहीं हुआ। स्वरा क्या क्या है स्वरा, घड़ी खा रही है। एक दिन आके ना सारे गिले शेक में मिटा देती है। जिंदगी हसीन है, दिखाए आता आता है दिखा के ना अपने। टिश्यू लाई नव्या, तो भू पहुंच रही थी उससे सारे नखरे। मैं भी हूँ, तुम भी तो हो, तुम खाने में बिजी हो, सब खा जाओ। रिज्जू पापा है, रिज्जू पापा है। लो फोन आ गया तुम्हारा, बक हाँ बना बाक हाँ हाँ हाँ। उसको एक सूस में पड़ा हुआ दिख गया, खा रही है। आ आई सुराई सुराई कारिया कारिया हरी राम। वन टू वन टू निकाल दिया, अंदर से निकाल के खा रही है। ये क्या है गर्ल्स, ये चोको लड्डूज हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज चोको पॉप्स। कैसे बने हैं ये ध्रुति? बस पार्ले जी बिस्किट को मैश करके उसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप और बस उसे राउंड करके और डेकोरेट करके। ब्यूटीफुल, लाओ मैं खा के देखूं। हाँ
बहुत बढ़िया। किसने बनाए? हम दोनों ने। इसने नहीं बनाए, छोटी वाली ने? हम सब ने बनाए। ये नाइस। और अब है आज की क्विक रिव्यू की बारी। तो आज हम कर रहे हैं इन कर्टन स्टॉपर्स का रिव्यू। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये इस तरीके से आते हैं। मेरे पास ये काफ़ी टाइम से हैं और बच्चे भी हैं घर में छोटे छोटे, तो इनके यहाँ से थ्रेड निकल गए हैं जिसको हमने वापस चिपका तो दिया है। ये एक साइड तो पूरा अच्छे से सलामत है। ये यहाँ पर मैग्नेट्स लगे हुए आते हैं इनमें, और ये इस तरीके से आपस में टाई हो जाते हैं। और जब इसको हम कर्टन पर लगाते हैं, कर्टन को पकड़ के ऐसे, तो ये कर्टन को जितना भी आपको होल्ड करवाना है उतना होल्ड कर लेता है। दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। ये इसने यहाँ पर इसको होल्ड कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसको जितना भी आगे तक बढ़ा के होल्ड करवाना है मैं उतना ही इसको आगे ले जाके कर सकती हूँ। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगी मैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाए थे और मैंने अच्छे से यूज़ किया है, वो देखिए दूर उधर। तो मुझे सही लगते हैं, मुझे लगा यहाँ बैठी हूँ तो आज इसका रिव्यू कर देती हूँ। चीज़ें तो जो जो अच्छी लगती हैं, काम में आती हैं, उन सभी का मन कर रहा है कि इसके लिए भी बताएं, इसके लिए भी बताएं। चलिए बनाते हैं शाम की चाय। आलोक आ गए हैं, फिर मुझे जाना है। आलस नहीं करना है, नहीं करने का आलस। सुरभी लगते हैं। ये छोटा बेबी और मेरा चैनल ना एक साथ ग्रो करेगा। चैनल शुरू हुआ 6 फरवरी को और छोटा बेबी आया 25 फरवरी को। घर आ गए हैं, चेंज कर लिया है और बस डिनर होगा अब साथ में। और इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर से मिलती हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, शब्बा खैर, खुद का ध्यान रखिए।